हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से आपके सामने एक अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। अभी एक हमने फ़ोन मंगवाया है सैमसंग का S22, तो उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। सैमसंग के स्टोर से ही मंगवाया हमने, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, अभी देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिलता है। ये सैमसंग का अभी लेटेस्ट फ़ोन है S22। इसमें HDFC कार्ड वगैरह पे इसका ऑफर मिलता है, कैशबैक का वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये काफ़ी स्लिम बॉक्स दिया हुआ है इन्होंने, देखिए कितना पतला है। शायद सिर्फ इसमें लगता है फ़ोन ही अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल ही नहीं होगा। चार्जर तो मुझे नहीं लगता इसमें होगा, बिल्कुल भी नहीं है चांस। ये देखिए, इसमें नेट क्वांटिटी 1 पीस दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है 85,999 का दिया हुआ है। एक कंटेंट इसमें क्या क्या होगा, 1 पीस है, 1 मोबाइल फ़ोन, 1 केबल और 1 इंजेक्शन पिन और 1 मैनुअल। तो इसमें ना तो ईयरफोन है ना ही चार्जर है। और अभी ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है हमको। ये आइटम्स मिला है हमको, एक इंजेक्शन पिन है इसका, एक एक केबल है इसका सी टाइप, चार्जर हमें अलग से मंगवाना पड़ेगा, ये सी टाइप टू सी टाइप है केबल, ठीक है। तो अभी तक जो केबल्स मिलते हैं, फ़ोन बहुत स्लिम है, बहुत हैंडी फ़ोन है। अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कितना परसेंट इसका बैटरी चार्ज है। हैवी नहीं है, इसका वेट 170 ग्राम्स है। आइए थोड़ा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। ये फ़ोन 5G बैंड के साथ में है, 4G 3G ये सारे इंक्लूडेड हैं इसमें। अभी करंट हमारा इंटरनेशनल तो 5G चलता है, बट इन इंडिया 4G अभी सुपर में है, ठीक है। 5G पे अभी टेस्टिंग चल रहा है, बट जब 5G लॉन्च होगा तो इट हैज़ 5G कैपेबिलिटीज़। और ये फ़ोन 2022 में फरवरी 9 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा लगता है। सिंगल सिम में है और ड्यूअल सिम आप यूज़ कर सकते हो इसमें, नैनो सिम, दो सिम का स्पेस दिया हुआ है इसमें बेसिकली। और IP68 वाटर रेसिस्टेंट है बेसिकली। आप ये पानी में, आप मतलब पानी में इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर गलती से गिर गया है या आपको कोई शॉर्ट वीडियो बनानी है पानी में, लाइक आपने डिप किया एंड आउट किया, तो और इट्स ओके। ये इसमें इनकी वीडियोज़ में भी मेंशन किया हुआ है, इट्स लाइक दैट। और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो बेसिकली 6.1 इंच का स्क्रीन साइज है, जो कि बहुत डिसेंट है, बहुत ही लाइटली है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये फ़ोन है, काफ़ी हैंडी फ़ोन है। बैटरी बैकअप अगर मैं देखूँ तो प्रोसेसर के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट बैटरी पैक को पिछले फ़ोन्स के अकॉर्डिंग अगर मैच करें तो वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। वो लास्ट फ़ोन जो था वो S21 था, वो 4000 mAh बैटरी के साथ था, ये 3700 mAh बैटरी के साथ है। आप यहाँ पे, मैं इसमें मैच करा के दिखाता हूँ आपको, ये 3700 mAh नॉन रिमूवेबल बैटरी है, लिथियम आयन की। और इसका जो एंड टू बेंच मार्क स्पेसिफिकेशंस है वो अबाव 8 लाख है बेसिकली। और जो इसका फ्रेम पर सेकेंड, गेमिंग फ्रेम पर सेकेंड है, वो 69 फ्रेम पर सेकेंड है। ES 3.1 ऑन स्क्रीन इन्होंने जो चेक किए हुए हैं, ठीक है। और जो इसका बैटरी बैकअप है वो 85 आवर्स का एंड्यूरेंस रेटिंग पर्पज से है। 85 आवर्स इज नॉट लेस देन, जो पिछले मॉडल्स आए थे उसमें 90 आवर्स का एंड्यूरेंस रेटिंग था, बट अकॉर्डिंग टू 3700 mAh बैटरी बैकअप इज रियली गुड, ठीक है। तो इसमें ब्राउज़र स्पेसिफिकेशंस में देखें तो इसमें एक सैमसंग डेक्स है, सैमसंग वायरलेस डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सपोर्ट भी दिया हुआ है इन्होंने। एक कोई एप्लीकेशन होगा सैमसंग का जिसके थ्रू आप डेस्कटॉप से इसको कनेक्ट कर सकेंगे, इट्स लाइक दैट। USB 3.2 के साथ दिया हुआ है, USB ऑन द गो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें पेन ड्राइव वाला जो सी टाइप केबल आता है, आप वो अटैच करके आप डायरेक्टली पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स हैं इसमें बेसिकली,
एक ये जो ईयर पीस है इसका वो, और आपका एक स्पीकर नीचे दिया हुआ है, तो दोनों में सेम वॉल्यूम आता है। लाइक अगर 1 वॉट का नीचे स्पीकर है तो 1 वॉट का ऊपर स्पीकर है, इट्स लाइक दैट। और जो इसका कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल कैमरा है, ड्यूअल पिक्सल पे है वो काम करता है, और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो कि बहुत ही अच्छा है, अनलेस कंपेयरिंग विद S22 अल्ट्रा, क्योंकि जो उसमें है वो 10x ऑप्टिकल जूम के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे जो जूमिंग है इन 10 मेगापिक्सल, इट्स 3x ऑप्टिकल जूम। फिर 3x को आप 10x कर सकते हैं बेसिकली। उसमें क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी फोन होता है आप लोगों के पास में, तो उसमें नॉर्मली आप 8x जूम होता है या 10x जूम होता है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दैट सैमसंग इज सपोर्टिंग के आप 30x सुपर एक्स जूम कर सकते हैं। इसी तरीके से सैमसंग ने निकाला है जो अल्ट्रा सीरीज फोन है, उसमें 10x जूम नॉर्मली चलता है, बट जो आपका 10x ऑप्टिकल जूम है, जो इन्होंने 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा है या फिर 30 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा है, जो भी है, उसमें 10x ऑप्टिकल जूम होता है। ऑप्टिकल जूम मतलब होता है उसमें लॉसलेस जूमिंग होती है बेसिकली। जब आप उसको जूम करते हैं तो कोई उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता है। जो इमेज आप 10x पास जाके देखते हैं कोई भी इमेज को, उतना ही आपको क्लियर वो दिखता है व्यू आपके फोन में। तो इसमें मैंने देखा है 3x में सुपर है। अगर आपने दूसरे सीरीज के कोई फोन देखे होंगे, कोई भी फोन देखा होगा जिसमें मैक्रो लेंसेज होता है, ठीक है? तो मैक्रो लेंसेज क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में पड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको जूम, जिसको आपको क्लोजर क्लिक लेना है, लाइक कोई टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपने उसके फोटो क्लिक करना है, वो काफी अच्छा है, ठीक है? तो नॉर्मल कैमरे से अगर आप खींचोगे तो वो नहीं आएगा, बट मैक्रो लेंसेज जिस फोन में है तो वहां पे वो अच्छा इमेज आ सकता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है, अगर आपको दूर करके भी वो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में फोटो खींचते हैं, या फिर अल्ट्रा सीरीज के फोन में 10x जूम के साथ फोटो खींचते हैं, तो इट वॉज रियली गुड, ठीक है? तो वो चीज इसमें बहुत अच्छा है। जो एक अल्ट्रा वाइड फीचर है इसमें, अल्ट्रा वाइड में 1.4 UM कैमरा है। तो इसमें तीन कैमरा है बेसिकली, एक 50 मेगापिक्सल कैमरा है, एक 10 मेगापिक्सल कैमरा है, एक 12 मेगापिक्सल कैमरा है। तो इसमें जो 50 मेगापिक्सल कैमरा है वो डुअल पिक्सल PDF है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा है जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। एक 12 मेगापिक्सल कैमरा है जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिसमें सुपर स्टडी वीडियोज बनती है, जो कि सैमसंग क्लेम करता है सुपर स्टडी वीडियोज है। इसमें जो वीडियो आप कैप्चर कर सकते हैं वो 8K तक कैप्चर कर सकते हैं, 8K एट द रेट 24 FPS। 4K अगर वीडियो बनाना है आपको तो 30 और 60 FPS पे बना सकते हैं। 1080 पे बनाना है तो 30, 60 एंड 240 पे बना सकता है। बट अगर सुपर स्लो मोशन में जाते हैं तो 720 पिक्सल का आप 960 FPS पे बना सकते हैं। तो इट इज रियली रियली ग्रेट। तो इसके पिछले फोन्स में भी था, बट मैंने वहाँ पे, मेरे पास में फोन नहीं था, तो मैंने अभी इस बार ये मंगवाया है S22, जो लेटेस्ट है सैमसंग का एस सीरीज का, जो अभी फरवरी 2022 में ही लॉन्च हुआ है, बट अभी मार्केट में अवेलेबल हुआ है इस तरीके से। और इसका जो प्रोसेसर है वो Snapdragon 8th Gen 1 4nm प्रोसेसर है, और इसका जो प्रोसेसर स्पीड है वो है 2.8 GHz। अगर क्वालकम में आप लेते हैं तो वो है 3 GHz का, वन सिंगल प्रोसेसर, और थ्री थ्री प्रोसेसर है 2.4 GHz पे, और फोर प्रोसेसर है 1.7 GHz पे। बट इसी में एक और वर्जन आता है सैमसंग का ही, जो कि पूरे यूरोप के लिए होता है, और एक US और चाइना वर्जन होता है, ठीक है? तो जो हमारे वाले होते हैं वो एक्सोनिस के साथ में सपोर्ट करते हैं। एक्सोनिस जो इनका खुद का प्रोसेसर है, तो उसमें रहता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 1.1 प्रोसेसर होगा 2.8 GHz पे, थ्री प्रोसेसर होते हैं 2.5 GHz पे, और फोर प्रोसेसर होते हैं 1.8 GHz पे। तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, बट एक जो फास्टेस्ट रहता है वो 3 GHz का है, वन प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन में है। इट वॉज रियली नाइस एक्चुअली। अगर आप क्वालकम स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर का फोन आपके पास में है तो इट विल बी गुड। बट एक्सोनिस भी कम नहीं है, 4nm प्रोसेसर है उनका भी, ठीक है? जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1080x2340 पिक्सल्स का डेंसिटी है इसका, 425 PPI,
और प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने दिया कोलिंग गोरिला ग्लास विक्टस प्लस दिया हुआ है इन्होंने, कुछ नया अपग्रेड दिया दिया होगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के साथ अवेलेबल है ये, ठीक है। और आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम विद टफर ड्रॉप एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट, जो कि यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है सैमसंग ने। तो इट इज़ रियली नाइस कि अगर आपका ये फोन गलती से छूट जाता है तो फ्रंट में आपका गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और जो ये एल्युमिनियम फ्रेम है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। लाइक काफ़ी अच्छी ग्रेड का एल्युमिनियम है बेसिकली, कि कभी गिरेगा तो बच जाएगा फोन, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। और अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि बैटरी कितना चार्ज है इसमें। हमने अभी बटन दबा के रखा, ये देखिए ये इसका लोगो आया है फ़ोन का। ये देखिए दोस्तों, सैमसंग का लोगो आया था और अभी ये वेलकम स्क्रीन आ गया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज है और ये स्टार्ट किया तो रहा है। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं सो दैट हम डेस्कटॉप मेन स्क्रीन पे आ जाएं। यू आर ऑल सेटअप फिनिश। ये इसका स्क्रीन आ गया है देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ चल रहा है ये फोन। आप यहाँ पे इसका कैमरा दिखाते हैं हम आपको, काफी अच्छा कैमरा लग रहा है इसका। हम कैमरा का रिव्यू भी ट्राई करेंगे कि आपको दे सकें। ये देखिए 6x तक भी मुझे मतलब 1% नहीं लग रहा कि कुछ लॉस हो रहा है क्वांटिटीज में। और ये 30x जूम है इस फोन में। जैसे ये नेम अगर आपको दिख रहा है सैमसंग का, तो मैं इस पे जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 10x तक इसका जूम नॉर्मल है। ये देखिए इसमें बहुत सही से दिख रहा है 10x तक, लेकिन 10x से ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है। बट अभी भी देखिए 20x मैंने कर लिया है तो 20x में भी अभी साफ दिख रहा है। सैमसंग का M बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है मुझे। तो कैमरा क्वालिटी इज़ सुपर अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी रिव्यूज़ भी हम देंगे, अभी के लिए अनबॉक्सिंग था सो दैट हम आपको दिखा सकें कि इसके अंदर हमको क्या मिला है। इसमें अभी फाइनली मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये फ़ोन है, ये इसका एक पिन दिया हुआ है और एक ये केबल है, सिर्फ यही चीज़ें हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हमारे न्यू अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू।